मैं हूँ मंजू। चलिए आज बनाते हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? हमने ये एक बड़ा आलू उबाल के रखा हुआ है, और ये गरम मसाला है 1 चम्मच, नमक आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, 1 चम्मच मिर्ची और थोड़ी सी हींग, और थोड़ी सी ये एक हरी मिर्ची हमने काट के रखी हुई है। और हमने ये आटा भिगा के रखा हुआ है। इसको आटा भिगाते टाइम इसमें आप हल्का सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के इसको भिगा लेना चाहिए। चलिए हम इसको आलू को मिक्स कर लेते हैं। चलिए हम इसको आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें एक भी गांठ ना रह जाए, नहीं तो फिर पराठा फूटने का भी डर रहता है और वो स्वाद भी नहीं अच्छा आता। ये देखिए, हमने अच्छे से आलू मिक्स कर लिया। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें नमक आलू ठंडा होने के बाद ही डालें, नहीं तो जो अपना इसमें ये आलू का मसाला होता है ये थोड़ा पतला हो जाता है। चलिए हम इसमें डालते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये हमने हरी मिर्ची जो बारीक काट कर रखी हुई थी, चाहे तो हम इसमें हरा धनिया भी काट कर डाल सकते हैं, और ये हमने इसमें थोड़ी सी हींग डाली हुई है। चलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसमें अच्छा कलर भी आ गया है और अच्छा लग रहा है देखने में भी। अगर हमारा नमक कुछ कम ज़्यादा होता तो हम इसको टेस्ट करके उसको बराबर कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा अच्छे से मसाला रेडी हो चुका है। हम इसकी पेड़ी एक बना लेते हैं तोड़ के। इसमें थोड़ा सा तेल का मोण डालने से पराठा कुरकुरा खस्ता बनता है और खाने में स्वाद भी आता है। हम इसको घी को गर्म करने के लिए इस पर रख देते हैं। इसे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, हम इसमें थोड़ा सा घी फैला देंगे ताकि मसाला अच्छा से फैल जाए इसमें। चलिए हम इसमें आलू भर लेते हैं। अब हम इसको चारों तरफ से इकट्ठा करके इसको गोल गोल कर लेते हैं। इसको हमको पूरे कोने में ऐसा मिला के इसको साइड में थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। ये हमारा इसमें आलू बन चुका है और हम इसको बेलते हैं। थोड़ा इसको पहले हल्के से दबा लेना चाहिए ताकि एकदम से बेलन से जोर नहीं पड़ता। इसको पराठा बेल चुका है और हम तवे पे डाल देते हैं, और इसको हम धीमी आंच में ही सेकेंगे ताकि पराठा जले नहीं और अंदर से आलू अच्छा सा सिक भी जाए। और इसमें हम यूज अच्छा घी ही करेंगे, अच्छे घी से ही इसमें ज़्यादा स्वाद आता। इसको हम 1/2 घंटा पहले ही आटा भिगो के रख देंगे तो ही पराठा अच्छा बनता है। जैसे कई लोग ऐसा रहते हैं, रात का आटा बच गया उसमें आलू भर के बना लेंगे तो वो अच्छा नहीं बनता है, अब फटने का भी इसमें डर रहता है, वो स्वाद नहीं आता है। चलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सिकना चालू हो गया, हम इसमें अच्छे से घी लगा देते हैं। गैस धीमी कर देते हैं। इसमें घी अच्छे से डालना ताकि इसका स्वाद अच्छा रहे। ये
देखिए पराठे का कलर आप देख सकते हैं। सर्दियों में ये पराठे अक्सर घरों में बनते हैं। चलिए हमारा पराठा सिक चुका है, हम गैस को बंद कर देते हैं। चलिए पराठे को इसमें निकाल देते हैं। आइए आप हमारा आलू का पराठा देख सकते हैं, इसको देखते ही खाने के लिए मन चल जाता है। आप अपने घर में बनाइए, चाय के साथ सर्दी में आलू के पराठे का मजा लीजिए।